जोगी निवास मरवाही सदन में बुधवार को कर्मचारी की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी व उनके बेटे अमित जोगी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। जोगी निवास मरवाही सदन में चोरी का आरोप लगने के बाद बंगले की देखरेख करने वाले कर्मचारी मनवा उर्फ संतोष कौशिक ने बुधवार की शाम फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। घटना के बाद घटनास्थल पहुंचे मृतक के भाई कृष्ण कुमार यादव सहित परिजनों ने आरोप लगाया कि बंगले के मालिकों ने उसे जेल भेजने की धमकी देकर डराया धमकाया था। इस वजह से उसके भाई को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। परिजनों के द्वारा जोगी परिवार पर लगाए गए आरोपों के आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और उनके पुत्र अमित जोगी पर धारा 306(34) के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है। कृष्ण कुमार ने अपने भाई की मौत के लिए जोगी को जिम्मेदार ठहराया है। इस मामले में अमित जोगी ने कहा कि पीड़ित परिवार के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है। जोगी परिवार का इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से कोई लेना देना नहीं था। राजनीतिक प्रतिशोध से सत्ताधारी दल के इशारे पर कल देर रात FIR दर्ज की गई। इसीलिए हम न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा CBI से जांच की मांग करते हैं। हमारे लिए सभी न्यायिक विकल्प खुले हैं। पीड़ित परिवार के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है। जोगी परिवार का इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के साथ कोई लेना देना नहीं है। कल देर रात राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से सत्ताधारी दल के प्रभाव में जो हमारे विरुद्ध FIR दर्ज करी गई है, साफ साफ दिख रहा है कि राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। और इसीलिए हम मांग करते हैं कि इस पूरे प्रकरण की न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा CBI से जांच होनी चाहिए और हमारे लिए इस मामले में सारे न्यायिक विकल्प खुले। सिविल लाइन TI कलीम खान ने आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की पुष्टि की है। पुलिस मामले की सूक्ष्म जांच कर रही है। इस घटना से एक बार फिर जोगी की मुसीबतें बढ़ गई हैं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ सुप्रीमो अजीत जोगी और बेटे अमित जोगी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज होने से इस पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी होने लगी है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।